नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल लेट्स स्टार्ट में। तो आज से मैंने कुछ नया स्टार्ट किया है। जैसे कुछ लोग बोले भी थे टॉपिक वाइज होना चाहिए, तो आज से हमने टॉपिक वाइज लेकर आऊंगा क्वेश्चन जो MCQ का फॉर्म में होगा। आज गांधी युग का एपिसोड जो है 3 का पार्ट 1 है, इसमें हम गांधी जी का 5 एपिसोड बनाएंगे। तो आज कुछ क्वेश्चन के साथ हम आए हैं, और आप सभी लोग कमेंट कीजिए और आप लोग आंसर भी दीजिए। आज थोड़ा लेट हो रहा है क्योंकि कुछ प्रॉब्लम हो गया था वीडियो अपलोड करने में, उसके लिए सॉरी। चलिए आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी द्वारा स्थापित साबरमती आश्रम किस नगर के बाहर स्थित है? तो देखिए सर, आंसर होगा आपका अहमदाबाद। अहमदाबाद में एक जगह है, अहमदाबाद के समीप कोचरब नामक स्थान पर 1915 में ही आश्रम का स्थापित किया गया था, जो साबरमती आश्रम से मतलब साबरमती नाम का आश्रम जो अहमदाबाद में। ठीक है, राजकोट की बात करते हैं तो ये आपका जो हो गया आपका जो है गुजरात में, गांधीनगर भी गुजरात में है और वर्धा आपका महाराष्ट्र में। चलते आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से किसने गांधी को सर्वप्रथम महात्मा के तौर पर संबोधित किया था? तो आंसर होगा, जब तिनकटिया सिस्टम चल रहा था पश्चिमी चंपारण में, जो बोल सकते हैं आपका नन कॉपरेशन बिहार से शुरू हुआ था गांधी जी का फर्स्ट सत्याग्रह, तो उसी दौरान जो है गांधी जो है रविन्द्रनाथ टैगोर उनको बोले थे क्या, महात्मा को उपाधि दिए थे। ठीक है, और गांधी जी मदन मोहन मालवीय को महामना का उपाधि दिए थे। ठीक है, याद रखिएगा। चलते हैं आगे। महात्मा गांधी से संबंध निम्नलिखित आश्रमों में कौन सबसे पुराना है? रिलेशनशिप विथ महात्मा गांधी, हु इज द ओल्डेस्ट अमंग द फॉलोइंग आश्रम? आंसर करें। तो इसका जो राइट आंसर होगा, इसका जो राइट आंसर होगा उसका नाम होगा फिनिक्स आश्रम। ये 1904 में गांधी जी ने नेटाल में ही फिनिक्स आश्रम भी स्थापित किए थे, और गांधी जी ने 1907 में अफ्रीका में ही सर्वप्रथम सत्याग्रह का प्रयोग किया, और 1910 ईस्वी में जोहान्सबर्ग में टॉलस्टॉय फार्म का स्थापना किए, जो वर्तमान में गांधी आश्रम के रूप में विख्यात है। ठीक है, चलते हैं आगे। करमचंद गांधी दीवान थे, मतलब करमचंद गांधी कहाँ के दीवान थे? थोड़ा मिस्टेक है। तो राइट आंसर होगा राजकोट के ये दीवान थे, राजकोट के दीवान थे। प्लीज कमेंट करें, कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। नोआखली काल में महात्मा गांधी के सचिव कौन था? नोआखली, देखिए अगर नोआखली की बात करते हैं तो ये इसका आंसर राइट हम लोग का प्यारे लाल। अगर हम बात करते हैं, ये 1945 वर्ल्ड जब वर्ल्ड वार चल रहा था उस टाइम का ये बात है, जो है बंगाल के एरिया में ये जो हिंदू मुस्लिम राइट्स हो गया, ईसाई धर्म को लेकर दंगा के लक्षण संपादित करते हुए सुहारवर्दी सियालदह रेस्ट कैंप से सेना को बुलाने के लिए अधिकारियों ने बुलाया था वहां पे। उसके बाद 1945-46 में क्या हुआ, भारतीय बनाम यूरोप से हिंदू बनाम बोल सकते हैं हिंदू और मुस्लिम के चरणों में जो राइट्स हो गया था, तो वहां पे जो है ये चल रहा था नोआखली, मतलब वो पीरियड था बांग्लादेश मुस्लिम और जो है कलकत्ता को लेकर। ठीक है ना, तो इन्हें यहाँ का जो बोल सकते हैं आपका जो है सचिव थे गांधी जी को, उनका नाम था प्यारे लाल। निम्नलिखित में से किस सत्याग्रह आंदोलन में गांधी जी प्रत्यक्ष रूप से भाग नहीं लिए? आंसर करें, आंसर करें फास्ट। तो राइट आंसर होगा वाईकॉम सत्याग्रह। अगर इसका बात करते हैं तो 1924 में, 1924-25 में ये स्टार्ट किया गया था, और ये जो था त्रावणकोर डिस्ट्रिक्ट केरल में, ये जो है बोल सकते हैं अनटचेबिलिटी को लेकर था। इसका उद्देश्य निम्न जातियों और जो है अछूतों द्वारा गांधी जी का अहिंसावादी तरीके से त्रावणकोर के एक मंदिर के निकट की सड़क के उपयोग के बारे में अपने अपने अधिकारी को मनवाना था। सर्वप्रथम हिंदू मंदिरों में प्रवेश तथा सार्वजनिक सड़कों पर बोल सकते हैं हरिजनों के चलने को लेकर त्रावणकोर के ग्राम वाईकॉम में आंदोलन शुरू किया गया था। ठीक है, चलते हैं आगे, जिसमें कहा गया था 16 से 32 फीट की दूरी बनाए रखें, बट ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है ना, हम लोग जो है सब सबका ब्लड क्या होता है, रेड होता है। तो आंसर राइट आंसर होगा वाईकॉम सत्याग्रह। राजकोट के बारे में आपको पता ही है, खेरा सत्याग्रह जो है गांधी जी को, यह भी अहमदाबाद में है,
असहयोग आंदोलन के बारे में, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट है। चलते हैं आगे, बस कमेंट करें और शेयर करें, बिल्कुल शेयर करें, अच्छा लगे तो शेयर करें और कमेंट करें। अगर कोई भी फीडबैक आपको देना हो तो वो भी करें। गांधी जी ने भारत में पहली बार सत्याग्रह आंदोलन बिहार में कहां प्रारंभ किया था? फास्ट आंसर करें। तो राइट आंसर होगा आपका, बोल सकते हैं आपका चंपारण, बोल सकते हैं यहाँ पे कि तीनकठिया सिस्टम चल रहा था। चंपारण 1917 में हुआ था। चंपारण गांधी जी के भारत आने के बाद यह प्रथम सफल आंदोलन था। इस समय चंपारण 1 बीघा जमीन पर 3 कट्ठे में नील की खेती करना अनिवार्य था, जिसे 3 कट्ठिया पद्धति कहा गया। नील की खेती करने पर किसानों को उचित मूल्य नहीं मिलता था, साथ ही भूमि की उर्वरा शक्ति भी कम हो रही थी। परिणाम स्वरूप चंपारण के मोतिहारी के समीप मुरली भररवा नामक गांव के रहने वाले एक व्यक्ति थे, फार्मर्स के नेता, जिसका नाम था राजकुमार शुक्ल। ठीक है, तो राजकुमार शुक्ल साहब ने 1916 में जो लखनऊ पैक्ट हो रहा था, कांग्रेस का अधिवेशन लखनऊ में, तो गांधी जी से मुलाकात की और चंपारण आने का निमंत्रण दिया और गांधी जी स्वीकार किए। और गांधी जी 1917 में पटना मुजफ्फरपुर होते हुए चंपारण पहुंच गए। इस आंदोलन में राजेंद्र प्रसाद, आचार्य जेबी कृपलानी, महादेव देसाई और बाबा नरहरि पारिख ने इस आंदोलन में गांधी जी का साथ दिए थे। ठीक है, सरकार बोल सकते हैं अंग्रेजी सरकार ने गांधी जी को चंपारण छोड़ने का आदेश जारी किया, जिसको मानने से गांधी जी इनकार कर दिया था। ठीक है, और जब हम टॉपिक पे आएंगे इसके बारे में और भी डिटेल में बताएंगे, तो आंसर होगा आपका चंपारण। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? वॉज द पॉलिटिकल गुरु ऑफ महात्मा गांधी? आंसर करें, प्लीज शेयर करें, अच्छा लगे तो शेयर करें। तो राइट आंसर होगा गोपाल कृष्ण गोखले। दक्षिण अफ्रीका में रहने की अवधि में महात्मा गांधी ने निम्न में से जिस पत्रिका का प्रकाशन किया उसका नाम था, उसका क्या नाम था? आंसर करें, प्लीज आंसर करें। तो सर यहाँ पे जो है बोल सकते हैं इसका आंसर इंडियन ओपिनियन। जब गांधी जी पहुंचे अफ्रीका, तब जब पहुंचे थे तो वहाँ का भारत के जो मजदूर लोग थे उनका दयनीय दशा कुछ सही नहीं था, मतलब वहाँ पे कोई अधिकार नहीं मिलता था अफ्रीका में। तो गांधी जी ने एक जो है इंडियन ओपिनियन के माध्यम से वहाँ के मजदूर के बारे में, इंडियन लोगों के बारे में एक जो है पत्रिका लिखे थे। अगर गांधी जी के पत्रिका की बात करते हैं तो इंडियन ओपिनियन है, हरिजन है, हरिजन बंधु है, यंग इंडिया है और नवजीवन है। तो इसका राइट आंसर होगा आपका इंडियन ओपिनियन। चलते आगे चलते हैं, गांधी जी का चंपारण आंदोलन था, गांधी जी चंपारण मूवमेंट वॉच। तभी हम आपको बताए थे राइट आंसर होगा नील कर्मियों को समस्याओं के समाधान, 3 कठिया सिस्टम जो बताए थे। तो प्लीज शेयर करें, जरूर अच्छा लगे शेयर करें और कमेंट भी करें। कमेंट करते हैं तो प्रोत्साहन बढ़ता है और अच्छे अच्छे चीजों हम और नए नए क्वेश्चन बना के लाएंगे आप लोगों के लिए। जो कहिएगा जिस प्रकार का क्वेश्चन, सब्जेक्ट वाइज, टॉपिक वाइज, सारा सेशन में लेकर आप लोग के लिए आऊंगा, बस कमेंट करें और शेयर करें। आगे चलते हैं, फिनिक्स फॉर्म कहाँ है? देखिए सूरत ग्रह राजस्थान में, इंग्लैंड है मैनचेस्टर, और डरबन अफ्रीका, और कंपाला जो है युगांडा का कैपिटल है। कंपाला पूछता है बहुत बार एग्जाम में, युगांडा हुआ तो कैपिटल ऑफ युगांडा, तो यह कंपाला होगा। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा आपका, जल्दी बताएं, तो डरबन होगा जो साउथ अफ्रीका में, यहाँ पे जो है फिनिक्स आश्रम बनाए थे, हम बात भी किए थे 1904 में। लास्ट क्वेश्चन है आज का, निम्नलिखित में से किस आंदोलन में महात्मा गांधी ने पहली बार भूख हड़ताल का प्रयोग हथियार के रूप में किया था? फर्स्ट टाइम हंगर स्ट्राइक किए थे गांधी जी। आंसर करें और शेयर जरूर करें। तो राइट आंसर होगा आपका, यहाँ पे बात कर रहा है कि हंगर अहमदाबाद, जो वहाँ पे जो है मिल मूवमेंट को जो बोल सकते हैं, वहाँ पे जो मिल के मालिक थे वहाँ के मजदूर को पैसा नहीं देता था ज़्यादा, 14 से 15 घंटा काम करवाता था। तो लास्ट में फाइनल हुआ 35% डीए के साथ उन लोगों को जो है बड़ी कर दिया गया, और वहाँ पे वहाँ के मजदूरों को 35% तक का जो डीए पीए सब मिला। तो गांधी जी का ये फर्स्ट टाइम जो इंडिया में हंगर स्ट्राइक था 1918 में। बारदोली सत्याग्रह की बात कर रहे हैं, ठीक है, 1928 में हुआ था। रोलेक्ट एक्ट 1919 में आया था, इसे ब्लैक एक्ट कहते हैं, काला कानून कहते हैं। इसी के चलते जो है पंजाब में 2 व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया गया था, सफेद उनके चिल्लू एंड सतपाल, जहाँ पे वहाँ भीड़ उभरा, वहाँ पे एक छोटा सा पार्क है जलियावाला पार्क, वहाँ पे 2 व्यक्ति था, जनरल आर डायर, जनरल ओ डायर, गोली चलवा दिया तो बहुत सारे लोग मरते। एनसीआरटी के अकॉर्डिंग कहता है 379 लोग मरा था। उसके बाद हंटर कमेटी भी बनाता है, सब कुछ फायदा नहीं हुआ। और अभी असहयोग आंदोलन के बारे में आप बताए थे जो 1920 में हुआ था, उस दिन जो आपको व्यक्ति एक मरा था। आज का आंसर है कि असहयोग आंदोलन गांधी जी स्टार्ट किए थे, तो आप लोग आंसर कमेंट में करें
किनके मरने के गम में, किनके उस दिन किनका डेथ, कौन से क्रांतिकारी का डेथ हुआ था जिस दिन गांधी जी स्टार्ट किए थे नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। ये आप लोग के इलाज का क्वेश्चन है, ठीक है। थैंक यू। अगर आप सभी को अच्छा लगे तो इसे शेयर जरूर।